हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग मेडिकल साइंस के लेक्चर्स, बायोलॉजी लेक्चर्स और डिजीज़ के बारे में, उनकी उनकी पैथोफिजियोलॉजी, एनाटॉमी और उनके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉर्मोन्स। देखा है मैंने, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हार्मोन समझ में बड़ी दिक्कत आती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन समझ में आती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कभी कभी, बट ये बहुत इजी हैं, इनको समझना बहुत आसान है। तो आज हम उसी की स्टार्टिंग करेंगे कि आपको बेसिक हार्मोन्स के बारे में समझ में आ सके। और ये सीरीज़ जो है मेरी वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आप भी कोशिश करें कि इसमें रेगुलर बने रहें। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्मोन्स क्या है, व्हाट इज़ हार्मोन, एक हार्मोन जो है वो क्या होता है और हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो हार्मोन एक आपका बायोकेमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, मतलब ये बायोलॉजिकली और ये केमिकली ना फॉर्म होता है और ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है जिसमें इसकी जो फंक्शन है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे एक्शन, मतलब ओरिजिन यहाँ से होगा और एक्शन यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजन ब्रेन में हो रहा है और एक्शन हमारे जो है टेस्टिस में दिखा रहा है, तो ये डिस्टेंटली काम करते हैं और अपने टारगेट सेल के लिए काम करते हैं। जितने भी हमारे टारगेट सेल हैं उनके लिए जो काम करेंगे और अपने फंक्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम जाएंगे कि अगर हम ह्यूमन, एक इंसान की बात करें तो उसके ब्रेन में, ब्रेन से लेकर उसके टो तक कितने हार्मोन हैं, क्या क्या निकलता है, कैसे एक्ट करता है, क्या उसका एक्शन है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इन शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है, जो पार्ट है हमारे हमारे ब्रेन का, वो है हाइपोथैलेमस। आपने आप सबने जो नाम सुना होगा आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन आपके बनते हैं वो है, सबसे पहला है TRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, CRH, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, देन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन डोपामीन। डोपामीन इज हार्मोन फॉर जो आपको आपको सेटिस्फेक्शन देता है, आपको हैप्पीनेस देता है। देन सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो यूनिवर्सल इनहिबिटर है, मतलब जितने भी हार्मोन निकलते हैं ये सबको इनहिबिट करता है। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन वैसे आपका पोस्टरियर पिट्यूटरी निकलता है लेकिन कुछ पार्ट आपका हाइपोथैलेमस भी रिलीज करता है। देन अब हम आएंगे जो इसी से एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है, दैट इज पिच्यूटरी हार्मोन। तो पिच्यूटरी हार्मोन के दो पार्ट हैं। पिच्यूटरी हार्मोन है आपका, वो आपका एंटीरियर पिच्यूटरी और आपका पोस्टीरियर पिच्यूटरी, इन दो भाग में बांटा गया है। तो पोस्टीरियर पिच्यूटरी में तो आपके दो ही हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और आपका वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, दिस इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। एंड ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ लव, वाइसो बिकॉज ये आप में लव वाली फीलिंग जनरेट करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और उससे जैसे कि आपके जो भी ब्रेस्ट सेल्स हैं वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और मिल्क की प्रोडक्शन और ये सिक्रेशन में हेल्प करेगा, मिल्क की सिक्रेशन में हेल्प करेगा। और जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें जो आपके हार्मोन, सबसे पहले हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन आप योर यू नो प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड द फंक्शंस आर दिस कॉल्ड दिस कॉजेज ग्रोथ स्टिमुलेट यू नो थायरॉयड सेल्स, दिस स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड, दिस स्टिमुलेट ओवरीज एंड यू नो टेस्टिस, दिस स्टिमुलेट्स योर मिलेनिन प्रोडक्शन, ये सब मिलेनोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल एनहेंस मिलेनिन मिलेनिन सिक्रेशन, दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग दिस ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो एक्ट एज ए स्टिमुलेटर, ये ओवरी से भी निकलता है और ये टेस्ट से भी निकलता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट यू नो प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन में जो ये फीमेल्स में इन इन प्रेगनेंसी इट हेल्प्स टू मेंटेन द मिल्क प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी। देन अदर ऑर्गन इज कॉल्ड लीवर, फ्रॉम लीवर देर इज IGF एंड THPO, IDF स्टैंड फॉर जिपको ह्यूमन IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड THPO इज थ्रोम्बोपोइटिन, इट एनहेंस मेगाकैरोटीन सेल्स, स्टिमुलेट्स मेगाकैरोटीन सेल्स। देन नेक्स्ट ऑर्गन इज एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, फर्स्ट ऑर्गन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड इज एंड्रोजन, एंड्रोजन इज स्टिमुलेट्स मेल हॉर्मोन्स इन योर बॉडी। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इट कॉजेज इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी एंड स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन, दिस ऑल एक्टिविटीज आर मेंटेन बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एज यू ऑल नो एड्रेनलिन इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, एड्रेनलिन इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर विच एक्टिवेट विच इज रिलीज व्हेन योर योर सिंपथेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड एंड द सेम इज नोर एड्रेनलिन, दीज आर फंक्शंस आर सेम, देयर फंक्शंस आर सेम। देन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन मेंटेन द वाटर बैलेंस इन योर यू नो किडनी। देन नेक्स्ट ऑर्गन इज यू नो योर योर किडनी एंड द मेन हॉर्मोन इज यू नो कैल्सिट्राल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन। सो कैल्सिट्रॉल मेंटेन द यू नो द कैल्शियम बैलेंस इन योर बॉडी एंड रेनिन इज मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ योर बॉडी एंड इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट एंड मेंटेन आयरन इन योर बॉडी। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन मेंटेन ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी। सो आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टोमैक, स्टोमैक, स्टोमैक देस गैस्ट्रिन, ग्रेलिन, हिस्टामिन, सोमेटोस्टेटिन एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई
एंड दीज ऑल हॉर्मोन्स मेंटेन द एंजाइम्स यू नो सिक्रेशंस एंड एसिड बैलेंस इन योर बॉडी. वी विल डिस्कस द स्टमक इन वेरी मच डिटेल वेन वी वेन द टॉपिक विल कम अबाउट द स्टमक. सो दीज आर द मेन मेन हॉर्मोन्स ऑफ योर स्टमक. नेक्स्ट इज योर यू नो द पेनक्रियाज. इन पेनक्रियाज दिस इंसुलिन ग्लूकागॉन सोमेटोस्टेटिन. सो इंसुलिन लोअर टाइम द ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागॉन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल. सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट बोथ. इट इनहिबिट्स बोथ. एंड आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज ओवरी एंड द प्लेसेंटा. सो एस्ट्रोजन released from the ovaries and it stimulates and maintain the female characteristics mainly. The next hormone is progesterone. Progesterone the function same in your ovary. It is released and it activates a female characteristics in body. So we will discuss about it after when we will discuss in deep about the ovaries. Then your male organ that is you know testis. So from testis there is release in the you know testosterone and inhibit testosterone inhibin. And these are the main hormone which is released by your testes. So its characteristics is to maintain male character in male body, and it inhibits testosterone in women. So these are the basic about the our hormonal system. I hope you will like the video, and if you like the video, please like, share, you know, subscribe it to get more knowledgeable videos like this. And I will try my best to upload more and more lectures on the biology and about the medical science, about the diseases. So please be with me and just support me to maintain a healthy time with you, to maintain a healthy knowledgeable time with you. So thank you so much for listening to me. Thank you so much.